हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे, पाठ 20 मिलकर खाएं। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए ढांचे का नाम बताइए। तो बच्चों, इस चित्र में जो ढांचा दिखाया गया है इसे कहते हैं भेला घर। यह घास और बांस से बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, उपरोक्त चित्र में किस नृत्य शैली को दर्शाया गया है व यह किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ हम लिखेंगे उपरोक्त चित्र में बिहू नृत्य शैली को दर्शाया गया है तथा यह असम राज्य से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, आप कौन कौन से त्यौहार अन्य परिवारों के साथ मिलकर मनाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आप स्वयं उत्तर लिखेंगे कि आप कौन कौन से त्यौहार अन्य परिवारों के साथ मिलकर मनाते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ होली, दिवाली, ईद, गुरुपर्व, क्रिसमस जैसे त्यौहार अन्य परिवारों के साथ मिलकर मनाए जाते हैं। प्रश्न 4, क मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार का एक स्कूल भोजन कार्यक्रम है जिसे देशव्यापी बच्चों के पोषण संबंधी दृष्टिकोण में सुधार के लिए बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख, क्या आपने कभी अपने मित्रों के साथ अपना खाना बांटकर खाया है। तो बच्चों, आप यहाँ उत्तर स्वयं लिखेंगे। यदि आपने अपने मित्रों के साथ खाना बांटकर खाया है तो यहाँ पर आप लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ हाँ, मैंने कई बार अपने मित्रों के साथ खाना बांटकर खाया है, जैसे आधी छुट्टी के समय, पिकनिक पर या जब कभी कोई त्यौहार स्कूल में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, सड़क, पैदल चलने वालों के लिए व एक चालक के रूप में सड़क पर पैदल यात्रा करते समय और एक चालक के रूप में सड़क नियमों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। हम ऐसा करके अपने जीवन और दूसरों के जीवन को भी बचा सकते हैं। प्रिय छात्रों, यह ध्यान में रखना है कि हमें केवल 18 वर्ष की आयु पूरी करने व ड्राइविंग लाइसेंस पाने के बाद ही ड्राइविंग करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित ट्रैफिक संकेतों को पहचाने। पहला, ट्रैफिक संकेत हॉर्न ना बजाएं। दूसरा, ट्रैफिक संकेत गति सीमा का है, जैसे यहाँ पर लिखा है स्पीड लिमिट 55, तो इसका अर्थ होता है गति सीमा 55 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। तीसरा संकेत पार्किंग नहीं या पार्किंग निषेध का है, इसका अर्थ होता है कि यहाँ पार्किंग करना मना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, किसी भी दो पहिया वाहन को चलाते समय हेलमेट पहनना क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर लिखेंगे दुपहिया वाहन चालक द्वारा हेलमेट पहनकर वाहन चलाना आवश्यक इसलिए है ताकि यदि कोई दुर्घटना होती है तो चालक के सिर को कोई क्षति ना पहुंचे। प्रश्न 3, जेब्रा क्रॉसिंग का क्या उपयोग है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग पैदल चलने वालों के द्वारा सड़क पार करने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना जागरूकता अभियान, कोरोना से बचाव के लिए पहला, हमेशा फेस मास्क पहने। दूसरा, हाथों को साबुन व पानी से बार बार धोते रहें। तीसरा, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें व सामाजिक दूरी बनाए रखें। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।